सवाल डॉक्टर्स ने हमसे किए, आज मैं उस सवाल के जवाब में आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के भी हमारे साथी खड़े हैं यहां पर, मैं एक एफिडेविट लेकर आया हूं और ये एफिडेविट मेरी संपत्ति का है जो मैंने चुनाव लड़ते वक्त दी थी। और मैं इससे इतर भी एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मेरी लड़ाई है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लूट तंत्र के खिलाफ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे इस एफिडेविट के माध्यम से जो मेरे दादा मेरे पिता से मुझे संपत्ति गांव में जमीन की मिली है, जो खेती की जमीन है वो, हमारा गांव में मकान है वो, शहर में मकान है वो, और जो मेरे पास गाड़ी है उसके अलावा मेरे जो बैंक के खाते में जो पैसा है वो भी मैंने इसमें लिख दिया, जो मुझे तनख्वाह के रूप में मिलता है, पत्नी की शादी जब भी अंकित कर रखी है। इसके अलावा मैंने 20 साल में अपने राजनीतिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में अगर कुछ भी धन संपदा बेईमानी से इकट्ठी की हो या मेरे पास हो, वो सारी की सारी सरकारी हो जाए और मैं पूरी की पूरी जो उसके अलग की मेरी कोई ऐसी कमाई हो या दो नंबर की चीजें हो या चार नंबर की या एक नंबर की चीज हो या हम कोई व्यापार करते हो, उसको सब की सब चीजों को सरकार ले ले हमसे। और मैं एफिडेविट में ये चीज दे रहा हूं, आपको भी सब साथियों को एफिडेविट की कॉपी दूंगा और मैं सरकार से मांग करूंगा कि हमारी सारी संपत्ति की जांच करा ली जाए और हम पे कोई अनलीगल चीज हो या हम पर, इन्होंने मेरी जांच कराई इनकम टैक्स रिटर्न की, कितना रिटर्न भरते हैं, मैंने कहा मैं जीरो रिटर्न भरता हूं, मेरे पास कोई इनकम का सूत्र इस तरह का है नहीं, खेती है गांव में, हम यहाँ शहर में रहते हैं, नॉर्मल परिवार है, जनता ने हमें विधायक बनाया है। लेकिन जो लोग ये आरोप लगा रहे थे मैं उनसे मांग करता हूं कि वो भी एक एफिडेविट दें नैतिकता के आधार पर, जो ऐसे तथा कथित लुटेरे के रूप में लूट करने वाले ऐसे लोग हैं, खास तौर से ये जो बढ़ चढ़कर बोलने वाले हमारे डॉक्टर के नाम पर कलंक लोग जो हैं, मैं इन तमाम लोगों से भी अपेक्षा करूंगा, सारे डॉक्टर गलत नहीं है, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, हम यह कितने नाम ऐसे बता सकते हैं जिनके हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, पूरा समाज उनका सम्मान करता है, लेकिन इन लोगों की दौड़ ये ऐसी दौड़ है, ऐसी प्रतिस्पर्धा इन्होंने बना ली कि इससे बड़ा कैसे मैं बन जाऊं। मैं सरकार से मांग करूंगा जो डॉक्टर्स ओपीडी कर रहे हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, न्यूट्रीमा का तो एक सिंबल बन गया था लूट के रूप में, नहीं तो और बड़े बड़े लोग ऐसे हैं नोएडा गाजियाबाद दिल्ली मेरठ सब जगह, कि सरकार इसमें दखल दे, गरीब व्यक्ति जाए तो जाए कहां। और ऐसे लोगों के जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो ओपीडी करते हैं, मैं जीएसटी विभाग के आपसे माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएसटी के लोग इन अस्पतालों में जाकर बैठे और ये जो लोग कई कई लाख रुपए रोजाना परामर्श शुल्क के नाम पर इकट्ठा करते हैं, नगद पैसे लेते हैं, इन सब लोगों की जांच हो और इन पर जीएसटी जो है ना चुकाने का, जब से ये लोग इस काम को कर रहे हैं जब से इनसे जीएसटी वसूल की जाए। दूसरे नंबर पर ये इनकम टैक्स में भी इनकी भारी रूप से ये लोग कटौती कर रहे हैं या उसको छुपा रहे हैं या उसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें करने का काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके ऊपर जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि इन लोगों ने ये चीज कहां से इकट्ठा की है। और मैं मांग करूंगा नैतिकता वाले उन डॉक्टर्स से जिन्होंने बढ़ चढ़कर ये बोला कि अतुल प्रधान अपनी इनकम का स्रोत बताए, तो मैंने बता दिया, मैंने सारी चीज अपनी रख दी। अब मेरा निवेदन है कि वो अपने पूरे जीवन की ना बताएं, वो 20 साल की 25 साल की प्रैक्टिस में जो पैसा कमाया उसे ना बताएं, वो 15 साल का ना बताएं, वो 10 साल का भी ना बताएं, वो 5 साल का भी ना बताएं, वो सिर्फ और सिर्फ जब से कोरोना शुरू हुआ, जो महामारी हमारे देश ने देखी, जिसमें हर कोई चैरिटी करना चाहता था, हर कोई चाहता था कि भाई किसी गरीब गुरबा की मदद कर दें, उसकी सहायता कर दें, उस कोरोना के समय में भी इन लोगों ने गलत तरीके से ये पैसा जो इकट्ठा किया, वो कोरोना का समय और आज तक के जितनी इनकम उनकी हुई है या जितना सही सोर्स है उनसे अलग उन्होंने इनकम की है, सिर्फ उसका एक एफिडेविट दे दें तो मैं उनको जो कहेंगे वो कर दूंगा। और अगर उन्होंने ऐसी कोई, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इसके अलावा कोई अगर संपत्ति हो तो वो सब सरकारी है,
तो वो भी जो उनके पिता की, दादा की और उनकी नेक कमाई की, वो भी 2021 से पहली है, और 21 के दो जब से कोरोना आया, कोरोना से बात की है, वो भी उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति सरकार के रूप में दान कर दे, किसी अनाथालय को दे दे, किसी बेचारे गरीब गुरबा लोगों को भेंट कर दे, तो हम तब उनकी नैतिकता मानेंगे। कहते हैं कि हम सेवा करते हैं तो हम भी सेवा करते हैं, कि भाई सारे डॉक्टर सेवा करते हैं, अच्छी बात है सेवा करते हैं, भगवान का दर्जा इसीलिए उन्हें मिलता है। रही बात इसकी कि अतुल प्रधान, मैं भी एक सामाजिक जीवन में हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। कहते हैं कि हम अतुल प्रधान की सिफारिश नहीं मानेंगे। अच्छा, मैं सिफारिश किस चीज की कर रहा हूं तुमसे? क्या सिफारिश ये कर रहा हूं कि मेरा घर बनवा दो? क्या सिफारिश ये कर रहा हूं कि मुझे एक्सट्रोशन बेईमानी का कोई पैसा दे दो? क्या मैं तुमसे सिफारिश ये कर रहा हूं कि मेरे बच्चे का मुफ्त इलाज कर दो? क्या मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मेरे रिश्तेदारों को कर दो? मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, जो लूट कर रहे हो, जो पैसा जायज नाजायज रूप से लोगों से वसूल कर रहे हो, जिसकी शिकायतें तमाम अंबार हैं, उस ऐसे पैसे में किसी गरीब को रिलीफ दे दो, ये मैं कह रहा हूं। और मेरी लड़ाई ये लगातार जारी रहेगी। आज चौथा दिन भूख हड़ताल का है, जनता का भारी समर्थन है। मैं तमाम पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल अगर ऐसा हो कि जो मुझसे करना हो, तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। पंचायत बुला लिया आपने अतुल जी? पंचायत 11 तारीख की रखी है। 11 तारीख को हम तमाम सामाजिक संगठन, जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया है, ऐसे लोग जो राजनीतिक लोग हमारी मदद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी और कांग्रेस के बहुत सारे साथी हमारी हेल्प के लिए कह गए, बसपा के भी पदाधिकारी ना आए हो लेकिन बहुत सारे जो सदस्य हैं या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो मदद करके जा रहे हैं, व्यापार संगठन के लोग मदद करके जा रहे हैं, छात्र नेता, छात्र राजनीति करने वाले आपके, उसके अलावा शिक्षक संघ, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो, चाहे आपके प्राइमरी का हो, चाहे आपके और जूनियर का हो, तमाम हमारी लोग जो कर रहे हैं। तो मैं उन सब साथियों का उस दिन 11 तारीख को हम बुलाएंगे, और आने वाले समय पर मेरी आदरणीय कई किसान संगठनों के बड़े नेताओं से बात हुई है, माननीय जयंत चौधरी जी से बात हुई थी, माननीय अखिलेश यादव जी से बात होकर मैं बैठा ही हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कैसे इस आंदोलन को हम लोग आके लेके जाएं, और ये आंदोलन ये यहीं तक नहीं थमेगा, ये आगे जाएगा, घर घर जाएगा, हम हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे। आज जैसे कैंडल मार्च है, तो हम कल लोगों से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अपने घर के आगे ऐसे लोगों की सद्बुद्धि के लिए दो दो कैंडल जरूर लगाएं, कोई दिया लगाएं, कि कम से कम लोगों को ये बात आगे बढ़े। अतुल जी, जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं।